हे गाइस, वेलकम टू डांस फ्रिक्स। मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 10 बहाने 2.0 सॉन्ग पे किया हुआ मेरा वाला डांस स्टेप बाय स्टेप। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और आप यहां से भी क्लिक करके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड अबाउट माई लेटेस्ट अपलोड्स। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से पॉइंट करेंगे, फिर राइट हैंड ऊपर लाके ये करेंगे। राइट हैंड सीधा रखने का, अपने आईज के लेवल पे अपनी रिस्ट को रख के हाथ इस तरह से बेंड करेंगे, ठीक है? तो अपनी आंख दिखनी चाहिए। फिर अपनी हथेली सामने दिखाएंगे हम लोग, तो 1 2 3 हाथ टेढ़ा कर दिया पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल। फिर मुंह के सामने रखेंगे, हाथ सीधा हो जाएगा लेकिन इधर से टेढ़ा। फिर ये दो उंगलियों से ऐसा बोलने का एनिमेशन दिखाएंगे, ये 1 2 3 4 और ये बोला तभी फेस बाहर निकालने का, ठीक है? तो उसकी आंखों में बाते ए, ओके? फिर हाथ जोड़ लेंगे और यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे इस तरह से फेस के सामने, और उंगलियों को आपस में प्रेस करके इस तरह से नीचे लेके जाने, तो ऐसा होगा 1 बाय 1, ठीक है? ये 1 2 3 4 टक 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 बाहर निकलने का, फिर वापस अंदर लेके आने का। तो ये खोलते ही वापस रिवर्स में लेके आने का, ऐसे किया वापस आया, ठीक है? सो उसकी आंखों में बातों में जादू, ठीक है? एक बार काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट। उसकी आंखों में बातों में जादू, ओके? अब इसके बाद अब हाथ इस तरह से रख के राइट हैंड में हम लोग वेव करने वाले हैं, यहाँ से शोल्डर से वेव पास करने के। तो पहले सर राइट में टच करके शोल्डर से करने का, ये 1 शोल्डर से वेव नीचे, ठीक है? फिर अपनी मुंडी को लेफ्ट साइड लेके जाने का, यहाँ से शोल्डर से वेव कंटिन्यू करने का। तो यहाँ से वेव नीचे आते ही रिवर्स में आएंगे, रिवर्स में आते ही शोल्डर पे अटका देने का है, फिर यहाँ से शोल्डर नीचे और मुंडी राइट साइड दोनों साथ में ऐसे, ठीक है? तो ये नीचे किया वेव 1, फिर ये राइट साइड, फिर ये लेफ्ट साइड वेव, फिर वेव रिवर्स आई, सर राइट साइड गया, फिर यहाँ पे अटका हुआ रखने का, फिर यहाँ से वेव ऊपर आके सर इस तरफ आएगा, ठीक है? यहाँ से आके ऐसे, ओके? सो ये 1 2 3 एंड 4, ओके? काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड, ओके? इसके बाद पहले हम लोग राइट लेग से किक करके ये पोजीशन में आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है? किक किया, पैर दूर आ गए, फिर यहाँ पे सामने हाथ रखते हुए ये करेंगे, फिर राइट साइड दो बार अटकेंगे, 1 2 1 एंड 2, ठीक है? फिर लेफ्ट साइड हाथ रस्सी पकड़ के पैर ले लेने का इस तरह से, तो अपने राइट लेग को कर लिया। फिर एक जंप करेंगे, हाथ ऐसे खोलते हुए हम लोग आंख के लेवल पे हम लोग हाथ रखने वाले, तो ये खोला इस तरह से, खोल के टोज पे है, फिर एक एक करके टोज नीचे रखने का, आगे वाला पीछे वाला, ठीक है? टक टक। सो 1 2 एंड 3 4, होल्ड, साइड में आ गए, बाहर निकले राइट लेफ्ट, ठीक है? काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके? थोड़ा स्पीड में 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, मुंडी नीचे लेके, और फिर यहाँ से वेव कंटिन्यू होगा, 1 वेव, ठीक है? अब ये करते टाइम हम लोग फिर बाद में पैर घुटने अंदर ले लेंगे और बाहर 1 बाय 1 लेंगे। सो ये वेव नीचे राइट लेफ्ट, ओके? फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर रखे खड़े हो जाएंगे, टक टक स्ट्रेट, फिर पैर ऐसे करके ट्विस्ट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो आपके ऊपर है। तो एक पैर एडी पे, एक पैर टोस पे, फिर बाद में स्विच, ठीक है? सो ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 ट्विस्ट स्विच, ओके? काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड, स्पीड में 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके? अब पूरा सेक्शन 5 6 7 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब इसके बाद ये करने वाले हम लोग
क्या करने का, हाथ इस तरह से रख के खींचने का है। खींचते टाइम हम लोग पैर ये करने वाले, पैर में किस तरह से हम लोग को अपना जो राइट लेग है उसके ऊपर टोस पे लेने का है, और दूसरा जो एड़ी है उसके साथ दोनों एड़ियों को टच करके रखने का, जो हील्स है टच हुए हैं। अब ऊपर करने जाओगे तो क्या होगा, एक्चुअल में आप लोग इस तरह से वेट कर रहे हो तो पूरा बॉडी ऊपर नहीं लेके जाने का, घुटनों को बाहर निकालने का, तो बॉडी का हाइट सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह से एक पैर पर है, दूसरा पैर साथ में उठने वाला है तो टच रखने का है, तो एक जैसा लगेगा। दोनों बाजू वन बाय वन, बॉडी का हाइट फिक्स रखने का है, हाइट हिलाए बिना इस तरह से होना चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा लेकिन इजी चीज है। अब राइट लेग रख के, राइट हैंड रख के ये किया, फिर लेफ्ट साइड ये किया। एग्जैक्ट आइसोलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच करके हिलाने का है, माइनर आइसोलेशन है। अब इसके बाद राइट हैंड इस तरह से एंगल में रखेंगे, मुंडी को स्लाइड करेंगे इस तरह से, ये स्लाइड स्लाइड। ठीक है, यहां से यहां बॉडी को सर को ट्रेस करने का है, ये इस तरह से खोल के रखा, स्लाइड स्लाइड, फिर राइट साइड में अच्छे से स्लाइड कर लेंगे हाथ पकड़ के आइसोलेशन जैसा। तो ये वन एंड टू एंड, पैर दूर हो गए, फिर स्लाइड स्लाइड खींच लो। ठीक है, काउंट पर 5 6 7 एंड 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। उसके बाद राइट साइड टर्न होके हम लोग स्पीड में एयर वॉक करेंगे। एयर वॉक बहुत ही सिंपल चीज है, अपने को पीछे वाला जो पैर है राइट लेग को ऐसा करने का है, पकड़ के स्लाइड किया, दूसरे पैर को स्लाइड किया, ये स्लाइड और ये स्लाइड। ठीक है, अब ये स्लाइड करते टाइम जो सामने वाला पैर है उसको सिर्फ टोस पर ले लेने का है सेम टाइम पे, बस इतना ही है। फिर ये करते रहो, इसमें टाइमिंग और स्मूथनेस चाहिए। ये करते टाइम बॉडी का जो वेट है एक ही पैर पर रखना चाहिए तो बहुत ईजी पड़ेगा, जो पैर स्लाइड हो रहा है उस पर वेट होना ही नहीं चाहिए तो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। तो चार स्टेप इस तरह से हम लोग करेंगे, फिर सर्कल ग्लाइड कर लेंगे। सर्कल ग्लाइड थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बहुत पहले मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, उसका ऊपर से आप क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। सो ये चार स्टेप किए और फिर सर्कल ग्लाइड करके कंटिन्यू करने का, और सिंपल स्लाइड। ठीक है, फिर इसके बाद मेन स्टेप राइट लेग किक करके स्विच करने का, किक स्विच स्विच, फिर किक किया स्विच स्विच, फिर ऑपोजिट साइड में लेने का है, लेफ्ट लेग से किक करने का है और ये करने का है। ठीक है, सो ये क्रॉस में दोनों पैर जाने चाहिए, हाथ सामने 10 दिखा के ये किया स्विच, 10 दिखा के ये किया। ठीक है, फिर 1 2 हाथ ऊपर लेके जाके चार बार पैर हिलाने का है, फिर हाथ हिलाओगे उसके साथ में पैर इस तरह से टक। ठीक है, 1 and 2 and 1 and 2 and 1 2 3 टक टक। ठीक है, 1 and 2 and 3 and 4 5 6 7 8। ओके, काउंट पर 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ा एनर्जी के साथ 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हर वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो। कुछ और सीखना हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप डांसिंग।